हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं डॉकर कंपोज स्केल कमांड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पोर्ट्स मैपिंग हटा देता हूं, क्योंकि यदि मेरे पास सपोज ये दो टीयर आएंगे, मतलब दो कंटेनर आए वेब एप्लीकेशन के, तो दोनों के दोनों क्या बोलेंगे कि मेरे को होस्ट मशीन के पोर्ट 8000 पे जाके मैप होना है। तो उस केस में होगा क्या, पोर्ट 8000 जो भी फर्स्ट कंटेनर खड़ा होगा उससे मैप हो जाएगा। यदि सेकंड बोला अपन ने तो उसको पोर्ट बोलेगा कि 8000 जो है वो पहले ही बाइंड है, पहले ही कहीं और यूज़ आ रहा है, राइट। तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं इधर से भी ये पोर्ट हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं डॉकर कंपोज अप कमांड क्या करेगी। सिंपली रिक्रिएट कर दिए दोनों को, क्योंकि अपन ने कौन डॉकर फाइल जो है उसमें चेंजेस किया था, राइट। तो एक मिनट, मैं इसको अब बैकग्राउंड में भेज देता हूँ। तो दोनों कंटेनर खड़े हुए और ये बैकग्राउंड में चले गए। तो डॉकर कंपोज पीएस दो कंटेनर खड़े हो गए। अभी मुझे क्या चाहिए कि जो मेरा वेब ऐप वन है ना, इसके मुझे चार कंटेनर चाहिए। ओके, फोर कंटेनर्स। डॉकर कंपोज स्केल एंड उसके बाद में वेब ऐप वन इक्वल टू फोर, एंड जो दूसरा है वेब ऐप टू इक्वल टू टू। तो अभी होगा क्या, नए कंटेनर्स खड़े हो गए, राइट। एंड नाउ यू कैन सी दैट डॉकर कंपोज पी एस टोटल छः कंटेनर, राइट। कितने, चार और दो छः, तो आप देख सकते हो टोटल छः कंटेनर अपने को यहाँ मिल गए। एंड अब क्या कर सकते हैं आप, इसके ऊपर एंजिनिक लोड बैलेंसर लगा सकते हैं एंड इनको कॉन्फिगर कर सकते हैं, राइट, कि जो लोड है वो अभी इन तीन पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इन दो पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो वो सारी चीज़ जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं डॉकर कंपोज डाउन, तो ये पूरे छः के छः जो कंटेनर्स हैं उनको इसने बंद कर दिया, राइट। तो अभी अपन देख लेते हैं और कौन सी कमांड बची हुई है डॉकर कंपोज में। डॉकर कंपोज हेल्प, तो ये सारा हो गया। डॉकर कंपोज टॉप कमांड बची हुई है, राइट। तो डॉकर कंपोज अप हाइफन डी एंड डॉकर कंपोज टॉप कमांड, तो वही जो डॉकर कंटेनर टॉप कमांड कर रही थी ये वही कर रही है जो कंटेनर था उसके अंदर रनिंग प्रोसेस ये अपने को बता रही है, राइट। ओके, तो अभी जो दो कमांड्स बची हुई है, डॉकर कंपोज हेल्प, तो अभी जो दो कमांड्स बची हुई है, एक बंडल कमांड बची हुई है, एक इवेंट्स कमांड बची हुई है, तो ये अपन आगे के वीडियोस में देख लेंगे। तो अभी तक इतना ही डॉकर कंपोज के जो बेसिक कमांड्स हैं उनके बारे में। अगले वीडियोस के अंदर अपन अब डॉकर कंपोज फाइल के अंदर घुसने वाले हैं एंड उसके अंदर देखने वाले हैं कि अपन जो डॉकर फाइल से वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगले वीडियो से अपन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, डॉकर कमांड्स के बारे में इतना ही, अब आगे के वीडियोस में अपन देखने वाले हैं डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल्स के बारे में। सो बाय।